का पहला प्रश्न है, ओबीआई द्वारा समावेशन सूचकांक में भारत 129 देशों में कौन से स्थान पर है? तो भारत साथियों ओबीआई द्वारा समावेशन सूचकांक में 117 नंबर पर है। कितने देशों की सूची में? तो 129 देशों की सूची में साथियों। और ये रिपोर्ट जो आपकी है ये 2023 की रिपोर्ट है साथियों। साथियों समावेशन सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो न्यूजीलैंड है प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर पुर्तगाल है और तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है, याद रखना साथियों। और भारत का स्थान क्या है इसमें? तो 117 है साथियों। और भी कुछ इंडेक्स हैं 2023 के, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 111 है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में नीदरलैंड प्रथम स्थान है और भारत का स्थान क्या है? 45 है साथियों। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में वियना प्रथम स्थान पर है और मुंबई और दिल्ली को 141 रैंक मिले हैं साथियों। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 127 साथियों। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क फोर्थ स्थान पर है साथियों, प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पर कोई भी देश को नहीं रखा गया है। चौथे स्थान पर कौन है? डेनमार्क। और भारत का स्थान क्या है? 8वां साथियों। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 13। ये जितने भी इंडेक्स है साथियों ये 2023 के हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 127। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 127 साथियों। साथियों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 161। लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान क्या है? 146 साथियों। साथियों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 127। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 13। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 126। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 161 साथियों। और लैंगिक समानता सूचकांक में 146 भारत का स्थान है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो साथियों इसका आयोजन जो हुआ है ना वो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ, याद रखना। प्रगति मैदान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ताल कटोरा स्टेडियम भी नई दिल्ली में ही है साथियों। अब देखो नई दिल्ली तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। साथियों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म है, इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। देखो ये जितने भी संस्थान साथियों हैं ये सारे नई दिल्ली में, बस इसकी स्थापना आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई 1939 में, सीआरपीएफ इसे बोलते हैं। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना हुई 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 162 में हुई। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 165 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। हिमायू के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था और यह नई दिल्ली में है। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण सुजाउ दौला ने करवाया था, यह भी नई दिल्ली में है। खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया साथियों। कुतुब मीनार भी नई दिल्ली में है। आपको बताना है कि कुतुब मीनार को पूरा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर साथियों बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने था, पूरा किसने करवाया था यह बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। हिमायू का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में, जबकि लाल किला को 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया साथियों। साथियों यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा यह बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने साथियों, बी इसका आंसर होगा, उत्तर प्रदेश ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दिया है साथियों। अब उत्तर प्रदेश ने यह मंजूरी दिया है तो उत्तर प्रदेश से आपके एग्जाम के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो लखनऊ है ये गोमती रिवर के किनारे है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। साथ ही सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा राज्य जो आपका है वो उत्तर प्रदेश ही है। सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट भी यहीं पर है, 75 डिस्ट्रिक्ट जो आपका है ये उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। साथ ही
पीलभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। साथियों रामगंगा जो है ये गंगा की सहायक नदी है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। साथियों सौ रिहंद, अगर मैं यहाँ पे सौ कर दूं तो सौ रिहंद परियोजना किस राज्य में हो जाएगा ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। बस मैं बता रहा हूँ आपको कि सौ रिहंद परियोजना जो आपका है ये सतलज नदी पर है और रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है, कानपुर में है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है, कानपुर में। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में। साथियों कहाँ पर है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, तो लखनऊ में। प्रयागराज शहर के पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू किया। प्रयागराज शहर के पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए क्या शुरू किया है साथियों, सवेरा योजना। पंचा अमृत योजना भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो बोगो सागर साथियों बांग्लादेश और भारत के बीच होता है और एक संप्रीति सैनिक अभ्यास है ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। साथियों भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है जो मैंने साथियों कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। साथियों अब देखो कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास को देखते हैं और बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका है। यहाँ की करेंसी क्या है साथियों, टका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टका। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास जो होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है प्रत्येक वर्ष। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम जो आपका है ये ढाका में, कहाँ पर है, ढाका में। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, जातीय संसद। और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो आपका है ये कहाँ है, तो बांग्लादेश में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, वाटर स्मार्ट किट अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है साथियों। यह शुरू किया है मेघालय ने, वाटर स्मार्ट किट अभियान साथियों। वाटर स्मार्ट किट मेघालय अभियान इसका पूरा नाम है। वाटर स्मार्ट किट अभियान किसने शुरू किया है, मेघालय ने शुरू किया है। तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। मेघालय के गवर्नर कौन है, फागु चौहान। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कोनाड संगमा। मेघालय में राज्यसभा एक है और लोकसभा कितना है साथियों, दो है। साथियों मेघालय की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, सीजू वन्यजीव अभयारण्य। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मेघालय में। जारुकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग में। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघू का घर जिसे बोलते हैं मेघालय को। मेघालय में साथियों सर्वाधिक वर्षा होती है, मेघालय के कहां पर, तो मासिन राम में साथियों सर्वाधिक वर्षा होती है। और मासिन राम में एक गुफा है साथियों, क्रेमपुरी गुफा जो है वो मासिन राम में ही है। गारो हिल्स मेघालय में स्थित है। और मेघालय की जो प्रमुख तीन जनजाति है, चार जनजाति साथियों, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, गारो खासी मिकिर और जयंतिया, किस राज्य की जनजाति है, तो मेघालय की। मेघालय में जारुकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और साथियों मेघालय में ही नोकरेक नेशनल पार्क भी है। अगला प्रश्न हमारा है, बायजूस एजुकेशन फॉर ऑल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो लियोनल मेसी साथियों बायजूस एजुकेशन फॉर ऑल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, लियोनल मेसी साथियों। कुछ और भी महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक की साथियों कौन है, तो पंकज त्रिपाठी है। कौन है, पंकज त्रिपाठी। जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन है। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी है। गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन साथी हो। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शाहरुख खान साथी हो। साथियों डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन है। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कियारा आडवाणी है। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, डॉक्टर दीपा मलिक। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है, लेकिन जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। याद रखना, जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा, लेकिन जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आयुष्मान खुराना। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मोहम्मद शमी साथी हो। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। इंफोसिस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथी हो, तो राफेल नडाल है। वनडे विश्व कप ग्लोबल एम्बेसडर कौन है, सचिन तेंदुलकर के। वाईकॉम जियो मार्ट और लेज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है। लग्जरी फैशन जूसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आलिया भट्ट है। कौन है, आलिया भट्ट है, लग्जरी फैशन जूसी के ब्रांड एम्बेसडर साथियों। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आयुष्मान खुराना है, यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। आईसीसी विश्व क्रिकेट कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान है, आईसीसी विश्व क्रिकेट कप के ब्रांड एम्बेसडर। एशियन हॉकी फेडरेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सलीमा टेटे साथियों। कौन है, सलीमा टेटे।
एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा साथियों, इंफोसिस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राफेल नडाल है। वन डे विश्व कप ग्लोबल एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर है। वाईकॉम, जियो मार्ट और लेज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। साथियों लग्जरी फैशन जूसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट साथियों है। कौन है? आलिया भट्ट साथियों। साथियों यूनिबैग इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना है। आईसीसी विश्व क्रिकेट कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। एशियन हॉकी फेडरेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सलीमा टेटी है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, वनडे में सबसे ज्यादा 50 शतक बनाकर शतकों का अर्धशतक बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं साथियों। कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं साथियों। साथियों अब क्रिकेट, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई साथियों। साथियों आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है? तो ग्रेग वारकेले। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा है। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियो फेलोडिस है। साथियों बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में इसकी स्थापना हुई साथियों। कब हुई इसकी स्थापना? तो 1928 में हुई। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। कौन है प्रेसिडेंट इसके? रोजर बिन्नी है। और क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है क्रिकेट का जन्मदाता। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिणी टन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिणी टन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है साथी। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? हैमिल्टन। इसकी स्थापना कब हुई? 1760 में हुई। और दूसरा कौन सा है? मैरीलेबोन, जिसकी स्थापना कब हुई? 1787 में हुई। कब हुई? 1787 में। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? हैमिल्टन। इसकी स्थापना कब हुई? 1760 में हुई। और दूसरा कौन है? मैरीलेबोन, जिसकी स्थापना कब हुई? 1787 में हुई साथियों। साथियों क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। पहला एक दिवसीय मैच भी मेलबर्न में हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कब हुआ? 1971 में। साथियों मैं क्रिकेट के बारे में कई दिनों से लगातार बता रहा हूं मैं साथियों। साथियों प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। पहला टेस्ट मैच कब हुआ साथियों? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई थी। यानी कि भारत ने साथियों पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? 1983 में जीता। और दूसरी बार 2011 में जीता साथियों भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप।